अभी तक रूस के लिए एक अच्छी बात ये थी कि कई नेटो सदस्य देश यूक्रेन का खुलकर साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। कोई ना कोई कारण बताकर कुछ नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। लेकिन रूस जिस तरह से नेटो और बाल्टिक राज्यों को धमकी और चेतावनी दे रहा है, उससे वो खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने फिनलैंड के साथ ही पोलैंड की राजधानी वारसा को भी रूसी क्षेत्र बताया है और दावा किया कि रूस से लेकर रहेगा। इसके बाद से रूस और पोलैंड में और तनाव बढ़ गया है। अब पोलैंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को मार गिराने पर विचार कर रहा है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पावेल व्रोंस्की ने बुधवार को बताया कि इस मुद्दे पर कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है, अभी कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है। अभी भले ही रूस सिर्फ यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसकी तरफ से बयानबाजी हो रही है, उससे नेटो देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे रूसी मिसाइल हमलों के दौरान वारसा को अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पोलैंड ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन पर दागी गई रूसी मिसाइलें कई बार उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई है। हालांकि रूस का कहना है कि ये घुसपैठ आकस्मिक थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता व्रोंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने यूक्रेन क्षेत्र में रूसी मिसाइलों को मार गिराने के लिए पोलिश एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करने का सुझाव देने के लिए पोलैंड से संपर्क किया। दरअसल ये चर्चा तब शुरू हुई जब मार्च में रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागी और वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यूक्रेन पर दागी गई रूसी मिसाइल 1200 फीट की ऊंचाई पर थी और ये ओसेडो शहर के पास 39 सेकंड के लिए पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। ऐसे में पोलैंड कभी भी रूसी मिसाइलों का शिकार हो सकता है। अब रूस ने ऐसा जानबूझकर किया था या अनजाने में, लेकिन पोलैंड की चिंता तो बढ़ ही गई। उसके बाद रूस ने पोलैंड की राजधानी पर भी दावा कर दिया। इससे थोड़ा बहुत बचा हुआ विश्वास और भी खत्म हो गया। प्रवक्ता व्रोंस्की ने कहा कि अधिकारी यूक्रेन के ऊपर रूसी मिसाइलों को मार गिराने के कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पोलिश एयर डिफेंस सिस्टम देश की सीमाओं के बाहर या कहीं और नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले पोलैंड के उप विदेश मंत्री आंद्रेज सजेना ने कहा था कि उनका देश इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसकी सीमाओं के करीब जाने वाली किसी भी रूसी मिसाइल को मार गिराया जाए। उनके मुताबिक नेटो इस बात का भी विश्लेषण कर रहा है कि क्या ऐसी मिसाइलों को तब मार गिराया जाना चाहिए जब वे नेटो सीमा के बहुत करीब हो। पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख जेसेक सिवेरा ने अपने देश से नेटो हवाई क्षेत्र की तरफ जाने वाली रूसी मिसाइलों को पहले ही मार गिराने की वकालत की है।